स्वागत है जी थोड़ा मेरे अपने चैनल पंजाब लव्स किचन ते। आज मैं थोड़े नाल एक मशीन की वीडियो शेयर कर लगी हाँ। ये मैं जिहड़ा मशीन मंगवाया ऑनलाइन मंगवाया है, वीडियो नूं तुसीं एंड तक जरूर देखियो, पूरा देखियो। मैं ये मशीन नूं तुहानूं खोल के दिखाउंदी हाँ, चला के भी दिखावांगी। तो ये जिहड़ी मैं मशीन मंगवाई है आटा गुन्नण दे लई मंगवाई है। मैं भी कितों ये देखिया सी अपने रिश्तेदार दे घर इस मशीन का इस्तेमाल करते आ, 7 तो 8 साल हो गया इस मशीन इस्तेमाल करदे आ नूं। ते मैं भी ये मशीन मंगवाया हूँ ते तुहानूं मैं इसका रिजल्ट दसूँगी किस तरह हैगा। ये एक नाल इस दे विच एक बुक मिली है, सारी डिटेल इस दे उत्तर लिखी हुई है। तो मशीन असीं हुण अंदरों कढ लैंदे बॉक्स ते। जेकर तुसीं मेरे चैनल ते पहली बार आए हो, चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब तो पहले चैनल नूं सबसक्राइब करियो, वीडियो नूं लाइक शेयर भी जरूर करिया करो। तो ये आपां हुण मशीन नूं खोल लैंदे आ, डब्बे दे विच्चों कढ लिया। कुछ खास समान नहीं आया मशीन दे विच, दो चीज़ां ने मेन। थले एक मशीन जिस दे विच मोटर लगी हुई है, इहनूं वी असीं खोल लैंदे आ। ये मशीन मैं एमाजोन तो मंगवाई है। इस मशीन की मैं कोई मशहूरी ऐड नहीं जे करन लगी, मैं आप खुद खरीदया मशीन। तो इसका वीडियो मैं इसलिए शेयर करन लगी हाँ कि मैं जो इसका रिजल्ट मिले तो वह तुहाडे नाल मैं शेयर करन लगी हाँ। ये जिहड़ी मशीन है थलों इहदी पूरी सपोर्ट है, तो बिल्कुल ये हल्की भी नहीं है तो भारी भी नहीं हैगी, तो ठीक है मशीन वधिया। पूरी ये बैल सेन का पूरा बनता है, बिल्कुल नहीं हिलती। तो तार भी इस दे नाल तुसीं देख सकते हो लंबी है। हुण इसका ये वाला हिस्सा है ढक्कन, इहनूं वी असीं कढ के दिखाउंदे हां। एक नाल कप मिलिया, तो ये एक डोंगा जिस दे विच असीं आटा गुन्न के तैयार करांगे, ये वाला है काफ़ी वड्डा है। तो ये इस दे विच जिहड़ा इसका पंखे जूटे लगाने दे लई ढक्कन सोहना बनिया इस मशीन का। बहुत सौखा इनू इस तरीके जुट नू विच लगा लांगे। तो ये वाला ढक्कन ये भी अलग हो जाता है। मशीन का समान आपां नूं यही नाल मिले। तो हुण असीं इहनूं साफ कर लैंदे हां दोनों चीज़ां नूं, फिर असीं आटा गुन्न के दिखाते हैं तुहानूं। इस बर्तन नूं आपां इस तरीके सैट कर लांगे, फिक्स हो जाएगा विच। तो ये जोटे ये भी असीं हुण लगा लांगे। ये अपनी हुण मशीन तैयार है। इस दे विच असीं हुण कणक दा आटा पावांगे, 3 कौलियां मैं आटा पावांगे इस दे विच। ये ढक्कन असीं इस तरीके लगा लांगे उपर। ये वाला छोटा ढक्कन असीं उतार लांगे। ये बहुत सौखा है, उपर रख लो, अपनी मर्जी लगा भी लो तो नहीं भी लगाना चाहते ना भी लगाओ। तो पर असी तुहानू पहले शुरू तो दिखाते हैं। तो ये टाइमर है, तो ये 15 मिनट तक असी ये लगा सकते हैं, जिन्ना टाइम तुसीं असी आटे ते लगाउणा है उन्ना टाइमर लगा दो, तो अपना आटा गुन्न के तैयार हो जाएगा। मशीन असी हुण ऑन कर दिता है, 10 मिनट के लिए मैं टाइमर लगा दिता है। हुण मैं इस दे विच पानी पावांगी, पानी असीं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पाउणा है। एक बार च असीं सारा पानी नहीं पावांगे, नहीं तो आटा अपना पतला हो जाएगा। इसी तरह पानी असीं थोड़ा थोड़ा करके पाउंदे रहांगे। मशीन देखने को बहुत सोहनी लग रही है। पानी असी इस आटे के हिसाब नाल पाया जाता है, जेकर आटा अपना मोटा है जां पतला है
उस हिसाब नाल पानी का इस्तेमाल हुंदा है, आपो अपना हिसाब हुंदा है आटे का। तो ये असी हुण ढक्कन उतार दिता है, तो कोई खास जरूरत नहीं पैंदी ढक्कन लगाउण दी। तो हुण तुसीं चंगी तरह देख सकते हो पानी असी बहुत थोड़ा पाउंदे पए हां, तो आटा अपना हुण इकट्ठा होना शुरू हो गया। बहुत सौखा तरीका है आटा गुन्नण दा, ना बिल्कुल हाथ खराब होणगे, समय की भी पूरी बचत है। जेकर तुसी तुहाडे कोल समां नहीं हैगा तो फिर ये तरीका बहुत वधिया आटा गुन्नण दा, जां फिर कोई घर दे विच वड्डा लेडीज नहीं हैगे, बच्चे भी आटा गुन्न के तैयार कर सकते हैं। इस दे विच असी परौंठियां लई प्याज वाला आटा भी गुन्न के तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आटे दे विच असी प्याज आलू जो भी पाउणा है मिला लो, उस तो बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी पाओ तो आटा बहुत वधिया गुन्न के तैयार हो जाता। बिल्कुल अपन आटे दे विच स्टफिंग करन दी जरूरत नहीं पैंदी। जिसनों आटा नहीं भी गुन्नना आता वह भी मशीन के आराम आटा गुन्न के तैयार कर सकता है, तो बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली गल नहीं आती। आटा अपना इकट्ठा होना शुरू हो गया, बहुत सौखा तरीका है ये मशीन के आटा गुन्नन का। जेकर आटा पतला भी हो जाए तो फिर भी असी उपरों थोड़ा जिहा आटा होर पा के उन्हें सुका सकते हैं। जिन्ना तुहानू आटा अपना पसंद है पतला सुका, उस तरीके तुसीं आटा गुन्न के तैयार कर सकते हो। अपना आटा पूरा हो गया, पानी पा लिया सी, तो ये अपना आटा हुण वधिया इकट्ठा हो गया। इस तरीके अपनी मशीन हुण चलन लगी है। जेकर तुहानू आटा सुका लगे तो हल्का जिहा पानी का छिट्टा असी दे सकते हैं। मैं हल्का जिहा पानी का छिट्टा दिता, थोड़ा जिहा आटा मैनू सख्त लगे, तो ये आटा अपना हुण बहुत जल्दी गुन्न के तैयार हो जाएगा। ये मशीन मैं 2 महीने पहलों मंगवाई सी, वीडियो मेरी पहले बन चुकी सी, तो इसका मैं टेस्ट किया, 2 महीने इस मशीन नू इस्तेमाल किया। तो हुण मैं तुहानू ये दसना चाहवांगी, ये मशीन ने आटा बहुत वधिया गुन्न के तैयार किया, बहुत ही रसीला तो बहुत ही वधिया। तो तुसी देख सकते हो आटा अपना वधिया रोटी दे लई बन के तैयार हो गया। 10 मिनट वास्ते असी इस आटे नू रैसट रखांगे, फिर रोटियां इस दियां बहुत वधिया बन के तैयार होणगियां। ये आटा गुन्नण वाली मशीन का मैनू रिजल्ट बहुत ही वधिया मिलिया, तो बहुत मैनू पसंद आई है, तो बहुत वधिया आटा गुन्न के तैयार होया। तुसी बिना झिझक हो के तुसी ये मशीन लै सकते हो, जेकर तुहानू जरूरत है। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, तो बहुत तुसी सौखे हो जाओगे, किचन का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जेकर तुहाडे कोल घट समा है जां फिर तुसी जॉब करते हो, ये मशीन का तुहानू बहुत ही फायदा होगा। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे, वीडियो नू लाइक शेयर चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद।